ओवरव्यू ऑफ पैनल मीटरिंग। इस वीडियो में हम लोग पैनल मीटर वायरिंग सीखेंगे। ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है और ये मीटरिंग कंपार्टमेंट है। मीटरिंग कंपार्टमेंट में वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर हैं और साथ में RYB फेज इंडिकेटर्स। ये दूसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है और इसमें भी राइट कॉर्नर में मीटरिंग कंपार्टमेंट है। इसी तरह लगभग हर एक पैनल में मीटरिंग यूज़ होती है और इस वीडियो में हम लोग इसकी वायरिंग कैसे होती है ये देखेंगे। इस वायरिंग डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर एम्पियर मीटर है, एम्पियर सेलेक्टर स्विच है और ये वायरिंग की हुई है। वोल्ट मीटर है, वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है और इधर इसके वायर्स कनेक्टेड हैं और नीचे की तरफ ये RYB तीनों फेज के इंडिकेटर्स हैं जिनको भी वायरिंग किया हुआ है। तो इस ड्राइंग को हम लोग समझेंगे। देखिए ये BYR न्यूट्रल RYB, ये तीनों बस बार्स हैं पैनल पे जिनको कि इंडिकेट किया हुआ है ऐसा। और एम्पियर मीटर की वायरिंग के लिए हम लोगों को CT से कनेक्शंस लेने होते हैं करंट ट्रांसफार्मर से, जो कि ये लगी हुई हैं। एक CT R फेज पे लगी हुई है, S1 S2 आउटगोइंग टर्मिनल्स होते हैं इसके, और दूसरी CT Y फेज पे लगी हुई है S1 S2 और B फेज पे भी एक CT लगी हुई है। तीनों फेज की CT लगी रहती है करंट ट्रांसफार्मर की। और ये आप देख रहे हैं कि CT के जो वायर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। S1 वाला वायर जो है, जैसे बी फेज का, ये जो S1 वाला वायर बी फेज का है, ये कनेक्टेड है एम्पियर सेलेक्टर स्विच, ASS यानी कि एम्पियर सेलेक्टर स्विच। तो S1 से एम्पियर सेलेक्टर स्विच पे एक वायर कनेक्टेड है, दूसरा वायर S1 जो वाई फेज की CT से S1 पे से एक वायर सीधे ASS पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से R फेज की CT का भी S1 वाला जो वायर है वो एम्पियर सेलेक्टर स्विच पे कनेक्टेड है। और जो दूसरा वायर है S2 वाला जो टर्मिनल है, S2 तीनों CT का जो S2 टर्मिनल है, ये वायर आपस में शॉर्टेड है, आपस में कनेक्टेड है और शॉर्ट करके ग्राउंड किया हुआ है। और इनमें से एक S2 का वायर आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से लिया हुआ है, ये वायर भी एम्पियर सेलेक्टर स्विच पे गया हुआ है। ये CT का कॉमन वायर है, करंट ट्रांसफार्मर का कॉमन वायर। तो एम्पियर सेलेक्टर स्विच पे हम लोगों के चार कनेक्शंस आ रहे हैं CT से। एक तो S1 टर्मिनल हर एक फेज से आया है, और एक एक वायर आया हुआ है हर एक फेज CT से। और दूसरा वायर जो है वो कॉमन वायर है जो कि शॉर्ट किया हुआ है हर एक CT का। तो ऐसा किया हुआ है एम्पियर सेलेक्टर स्विच की वायरिंग के लिए। फिर एम्पियर सेलेक्टर स्विच के दो टर्मिनल्स और होते हैं उसमें, और उन टर्मिनल्स जो आउटपुट टर्मिनल्स होता है वो सीधे एम्पियर मीटर पे कनेक्टेड होता है, एम्पियर मीटर पे, जिसको कि S1 और S2 जनरली एम्पियर मीटर के बैक साइड पर S1 और S2 दिया होता है। और एम्पियर सेलेक्टर स्विच के दो वायर्स सीधे एम्पियर मीटर पे कनेक्टेड हैं। तो एम्पियर सेलेक्टर स्विच को हम लोग सेलेक्ट करते हैं R फेज पे, Y फेज पे, B फेज पे अकॉर्डिंगली। अगर R फेज पे सेलेक्टेड है एम्पियर सेलेक्टर स्विच, तो R फेज की CT का करंट ही एम्पियर मीटर शो करेगा। अगर Y फेज पे स्विच किया हुआ है एम्पियर सेलेक्टर स्विच को, तो Y फेज की CT का करंट शो करेगा। और एक बात, ये जो आप देख रहे हैं A1 A2 ऐसा शो किया हुआ है, ये जो है फेरूल नंबर्स हैं, वायर्स पे नंबर डाले हुए हैं, तो वो इस प्रकार से शो किया हुआ है ड्राइंग पे। तो A1 वायर जो A1 नंबर्स का वायर है वो एम्पियर सेलेक्टर स्विच से इधर एम्पियर मीटर पे लगा हुआ है, और दूसरा वायर को नंबरिंग दिया हुआ है A2, तो A2 वाला वायर भी ऐसे कनेक्टेड है। इसी प्रकार से आप ये देख रहे हैं C31, C30, C21, ये वायर्स पे नंबर पड़े हुए हैं, और ये वायर जो C31 वायर है वो इस प्रकार से ऐसा गया हुआ है।
तो ये जो सर्कल फॉर्म में है ये सारे वायर्स नंबर्स हैं, जहाँ भी वायर है इसे हम लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं पैनल पे कि हमारा C10 वायर जो है कहाँ पर है होना चाहिए, और ये अपना R फेज की CT का S2 टर्मिनल से वायर जो है वो C10 टर्मिनल है। तो इस प्रकार से हम लोग इजीली वायरिंग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वायर कहाँ पर लगा होगा, किस नंबर का वायर कहाँ पर लगा होगा। फिर इस वायरिंग पे आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है एनो कांटेक्ट, R फेज की CT पे लगा हुआ है, और इसी प्रकार से B फेज RYB तीनों फेज की CT पे ये एनो कांटेक्ट बना हुआ है। एक्चुअली ये है क्या, दीज आर द CT शॉर्टिंग टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स हैं CT शॉर्टिंग वाले, तो इन टर्मिनल्स को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट कर देंगे तो जो CT का टर्मिनल करंट है वो यहीं पर ही फ्लो करेगा, और एम्पियर सेलेक्टर स्विच को हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और जब एम्पियर मीटर और ASS को यूज़ करना है तो हम लोगों का टर्मिनल CT शॉर्टिंग ओपन होना चाहिए। अब देखते हैं वोल्टेज सेलेक्टर स्विच और वोल्ट मीटर की वायरिंग कैसे हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, ये वोल्ट मीटर है, और ये R फेज, ये Y फेज, ये B फेज। R फेज से एक वायर आया है और ये MCB 6 एम्पियर सिंगल पोल पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से Y फेज का वायर एक MCB पे आया हुआ है सिंगल पोल की, और B फेज का भी वायर सिंगल पोल MCB पे आया हुआ है। MCB के दूसरे साइड से वायर जो है वोल्टेज सेलेक्टर स्विच पे कनेक्टेड है, Y फेज पे भी और B फेज पे भी। तो वोल्टेज सेलेक्टर स्विच पे तीनों वायर कनेक्टेड हैं RYB फेज के, और बीच में MCB यूज़ की हुई है, MCB 6 एम्पियर सिंगल पोल प्रोटेक्शन के लिए। और वोल्टेज सेलेक्टर स्विच का जो दो आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं इन दोनों वायर्स पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है अपना। तो वोल्टेज सेलेक्टर स्विच भी एम्पियर सेलेक्टर स्विच की तरह ही काम करता है, जिस पोजीशन पर भी R फेज, Y फेज और B फेज, जिस पोजीशन पर वोल्टेज सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट होगा उसी फेज का वोल्टेज वो शो करेगा। फिर हम लोग देखते हैं इंडिकेटर वायरिंग। इंडिकेटर की वायरिंग में भी हम लोगों को R फेज़ के इंडिकेटर में R फेज़ का वोल्टेज देना होगा, Y फेज़ में Y फेज़ का, और B फेज़ में B फेज़ का वोल्टेज देना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर MCB के आउटगोइंग से ही एक वायर टैप किया हुआ है, लिया हुआ है, और वो R फेज़ पे कनेक्टेड है, और MCB के Y फेज़ की MCB के आउटपुट से भी एक वायर लेके Y फेज़ के इंडिकेटर पे कनेक्टेड है, और B फेज़ पर भी ऐसा ही एक वायर लेके B फेज की इंडिकेटर पे कनेक्टेड है। इसको नाम भी R1, RY1 और B1 नंबर दे रखा है। और इंडिकेटर्स के दूसरी साइड पर, दूसरे टर्मिनल्स पे ये शॉर्ट किया हुआ है, R को Y से, Y को B से, और B को न्यूट्रल से शॉर्ट किया हुआ है, एक न्यूट्रल टर्मिनल से, न्यूट्रल लिंक। एक्चुअली ये दिस इज़ अ न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है जिसमें कि वायर पहले कनेक्टेड है न्यूट्रल का, और न्यूट्रल के लिंक से हम लोग ने एक वायर इसको शॉर्ट किया हुआ है। इंडिकेटर्स के दूसरे साइड पर जो टर्मिनल है वो सारे आपस में शॉर्ट है। तो ये इंडिकेटर 220 वोल्ट AC से ऑन होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक साइड पे न्यूट्रल लगा हुआ है और दूसरी साइड पर फेज की लाइन दे रखी है। अब हम लोग ने ये सीख लिया है कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की कैसे वायरिंग करनी है और इंडिकेटर्स कैसे वायर्ड होने हैं।